माने मिस्त्री का जो काम है वो अपने ऊपर ले लिया है, तो देखते हैं माँ कैसा यहाँ पर काम कर पाती है। तू अभी आ रहा है 10 बजे बिस्तर से उठ गया। हेलो गाइस, मेरे पानी का डब्बा भी ले जाएगा? हाँ ले जाऊंगा, हाँ ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। चल अब बोल दे, सेफ में लाना जरूरी है, तब जाके ही यहाँ पर चिनाई पे उस पत्थरों को रखा जाएगा। मेघ किसको बोलते हैं? जो बारिश लाता है। अच्छा, अब बादल को मेघ नहीं बोलते हैं? मेघ बोलते हैं क्या? बिना बारिश का मेघ है। ये इतनी छोटी उम्र में गजब तरीके से हल लगा रही है, तो मैंने सोचा पहाड़ के बच्चे कितने होनहार होते हैं और कितने मेहनती होते हैं, थोड़ा आप लोगों को भी बताया जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर वहीं से हो रही है जहां पर पिछले 3 दिनों से हम काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और यहां मैं दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर माँ और बापूजी चिनाई करने का काम कर रहे हैं और हमारे जो भाई साहब हैं वो लेबरी का काम कर रहे हैं। इंजर्ड हो गया। वैसे आज भाई साहब ना, मतलब मैं उस टाइम यहाँ पर था नहीं, तो इतना खतरनाक गिरा ना वाल वहाँ पत्थर लाते हुए, तो जो घुटना है वो भी फूट गया है और साथ में जो रीढ़ की हड्डी है उस पर भी काफ़ी चोटें आई है। और उसके बावजूद भी भाई साहब यहाँ पर कैसे खड़े हो रखे तुम? कुछ तूने आना है नहीं, करना तो पड़ेगा ना। तू अभी आ रहा है 10 बजे बिस्तर से उठ गया। और भाई साहब को ऐसे बोलने में भी बड़ी हंसी आ रही है कि मैं 10 बजे बाहर आ रहा हूँ, तो मेरा एडिटिंग का काम था वो मैं पूरा कंप्लीट करके अभी अभी बाहर आया हूँ। और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर माँ और बापूजी दोनों चिनाई करने का काम कर रहे हैं। और माँ हेलो गाइज नहीं कर रही है यार। ए देख, भाई साहब बोल भी रहे हैं कि हेलो गाइज। ए माँ, मैंने काम करूँ क्या? हेलो गाइज, मेरे पानी का डब्बा भी ले जाएगा? हाँ ले जाऊंगा, हाँ ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। चल अब बोल दे, इधर देख के अब दो डब्बे ले जाऊंगा सुबह शाम। बोलना तो हेलो गाइस तो बोल ढंग से। हेलो गाइस ना, सही से अभी नहीं हुआ। दो गैलन पानी आके ले जाओ और नहर का भरा लाओ और गोबर निकालो और भैंस को, भैंस बैलों को पानी पिलाओ। अच्छा, मतलब एक हेलो गाइस के बदले तो इतना काम कराएगी हमसे है। तो जो कल का गुस्सा है माँ का, मैं पानी का डब्बा ले जा तो रहा था लेकिन मैंने बोला था मैं थोड़ा लेट में आ रहा हूँ और माँ उसी टाइम बोला तो लेट में तेरे को पता नहीं है मैं थोड़ा यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। तो दिन, कितने दिन का काम है ये तो है ना कि अभी हो जाएगा। तो कल की तो डाल दी वीडियो। क्या बोल रहा है यार माँ को यार, शूट ही नहीं करता है। माँ कितनी बार बोल रहा हूँ, गुस्सा ना अपनी मुंह खाता है, बलगढ़ वाली में उखाड़ नहीं है तो इसीलिए ना गुस्सा भी नहीं आता है। हम जब कोई मना करते हैं तो हम अपना आप करते हैं काम, तो गुस्सा में होता है वो सब काम। या पानी पानी हो रहा तो चलो मजाक मस्ती भी होती रहेगी। माँ का जो गुस्सा है वो तभी जाके शांत होगा वो जब मैं पानी के 2 डब्बे गौशाला तक पहुँचाऊंगा। तो फटाफट क्या करता हूँ मैं, गौशाला पानी पहुंचाता हूँ। वैसे हमेशा का काम मेरा रहता है लेकिन क्या करे कभी कभार हो जाता है ऐसा हमारा भी। तो चलो कुछ बोलना चाह रहे? तेरी वजह से एक डब्बा मेरे को लेके जाना पड़ा। ठीक है, ओके, डन डन। और नाम करता है यार तू पहले। हम बोलेंगे तो गुस्सा आता तेरे को, तू बाबा पापा को बार बार बोल रही ऐसा कर वैसा कर, बापू जी को नहीं है पता कुछ? वैसे मैं नहीं आता गुस्सा तो माँ वाले बापू जी को यहाँ पर शिकारी हेमा गढ़ वाली सबको समझ कहाँ आती है, तो हिंदी में बोलना क्या बोला तूने? हेमा बोले लोगो को गढ़ वाली समझ कहाँ आती सबको? क्या बोला तूने हिंदी में, ट्रांसलेट कर। इतनी अच्छी हिंदी निकलती है तेरे मुंह से, दिल खुश हो जाती है। और अभी माँ बोली रही थी कि गढ़वाली में कि मैं बापूजी को सिखाती वाल काम, तो अब देखिए बापूजी से हथौड़ी माँ ने ले ली है और अब जाके अपने आप यहाँ पर मिस्त्री का काम कर रही है। तो अपनी माँ खतरनाक वाली ऑलराउंडर है। और यहाँ पर हमारी ताई आ रही है। ये ताई कैसी है हमारी माँ मिस्त्री? ये ताई बोली नहीं रही, कैसी है? तो ठीक है माँ, हाँ ठीक है। ये मत निकाल, ये
और वाह कैसे है मिस्त्री तो बहुत बढ़िया है। ताजमहल वाले मिस्त्रियों में से माँ भी थी वाले। माँ किससे सीखी तू ये काम? अपने आप से। अपने आप से कोई नहीं सीखता है। नाना से? नाना से या बड़े मामा से? कुछ ऐसे नहीं। पेट से कौन आता सीखे वहाँ? अपनी बुद्धि से। अरे वाह बहुत बढ़िया है, क्या पॉइंट मारा है। कितने भेड़ लगाए मैंने पापा कहा था पता नहीं। एमा मिस्त्री का काम सिर्फ खाली 2 मिनट वीडियो में हो जाता है? 2 मिनट में अभी थोड़ा टाइम आदि की जरूरत नहीं है। हाँ। आराम करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ना ना बापूजी को आराम देती ना तू ही करती पूरा काम। तो बापूजी की समझ में कहा आ रही तो मेरे का बापूजी बोले तू A1 मिस्त्री है वाले टोंट था वो बेस्ती वाला टोंट था। चलो तब हम जा रहे हैं पुंगड़ा न्या लेने के लिए है। अब मत होना नाराज। बाय बाय मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गेलर चुआ। तो चलो यार माँ उसी गेलर के पीछे पड़ी हुई है। हाँ कल चुनो भी डालेंगे। तो चलो अभी पानी लेके चलते हैं गौशाला, नहीं तो माँ बल वीडियो में भी नहीं आएगी और मतलब मेरे से बात भी नहीं करेगी। तो पानी का डब्बा लेके पहुंच चुका हूं मैं गौशाला पर और मेरे साथ साथ यहां पर माँ पहुंच गई है। और अभी तक जो हमारे हीरा मोती थे वो नीचे की साइड बांधे हुए थे धूप पे, लेकिन आजकल धूप काफ़ी तेज़ हो रही है तो इसीलिए माँ अब इनको छाया पे बांध रही है। तो माँ यहाँ पर इनको पानी पुनी पिलाने का काम करती रहेगी। और आज मुझे ड्यूटी मिली है कि मुझे खेत में जाना है और वहाँ से न्यार की एक भारी एक गड्डी उठा के लेके आनी है। तो सामने स्क्रीन पे जो आपको ये पेड़ नजर आ रहा है तो इसी में चढ़ के मुझे ये वाला न्यार निकालना है। तो फट करके चढ़ते हैं। तो जो न्यार की भारी है उसको मैंने मस्त तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। अब फटाफट इसको अपनी पीठ में उठाते हैं और चलते हैं गौशाला की ओर। तो जो निहार की भारी मैं लेके आ रहा था वो मैं गौशाला पर पहुंचा चुका हूं और उसमें से कुछ निहार निकाल के माँ इनके पास डाल ली है। और अभी हम जैसे ही घर आए तो हमारा खाना बन के बिल्कुल तैयार है। और आज खाना बनाया है हमारे भाई साहब ने। और क्या बनाया है अगर आपको बताएं तो आप देख सकते हैं आज मटर पनीर बनी हुई है वो भी भात के साथ। तो यहाँ पर माँ ने खाना शुरू कर दिया है। तो कैसा हो रहा है? तो है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। खाली तारीफ तो नहीं करी बिना बात की? मुझे तो नहीं लग रहा है कलर को देख के। तुम बताओ जी, लाजवाब। दोस्तों अभी खाना पीना खाने के बाद अभी हम आए हैं छत पे धूप का आनंद लेने के लिए। और आज सुबह से मैंने अभी तक आपको हिमालय के दर्शन नहीं कराए, केदार घाटी के दर्शन नहीं कराए। और क्यों नहीं कराए वो आप खुद देख सकते हैं कि आज वहां पर कुछ भी देखने को मिल ही नहीं रहा है। बस ये आप देखिए बड़े खतरनाक वाले बादल छाए हुए हैं। और इधर तो फिर भी ना जो बादल हैं वो बिल्कुल वाइट वाइट है, लेकिन इधर वाले बादल देखिए आप बिल्कुल काले बादल हैं और उनके नीचे पूरा जो हिमालय है केदार घाटी है वो अंधकार में फैली हुई है। और ये बादल सिर्फ उधर ही नहीं है बल्कि यहाँ से शुरू होते हैं क्रौंच पर्वत के ऊपर से और सामने उधर तक जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे ऊपर एक भी बादल देखने को नहीं मिल रहे हैं और चमचमाती हुई धूप लगी हुई है और इसी का आनंद यहाँ पर माँ ले रही है। बादल वहीं से पैदा होते हैं है? कहाँ से? कहाँ से? हिमालय से। अच्छा, उस हिमालय से सारा जहाँ तक हिमालय वहाँ तक वो बादल है, बादल है। क्यों होता है? क्यों होते हैं?
अब उस तो मैं जानता नहीं हूँ, पर होता वहीं से। बादलों के अंदर क्या रहता है? पता नहीं। पता नहीं। पानी कहाँ से बरसता है? वो पानी वाला थोड़ी है, वो तो कैसा वाला है? वो ऐसा ही सूखा सूखा वाला है। सूखा वाला बादल है। अच्छा, अब पानी कहाँ से आता है ये तो बता। पानी वाला बादल दूसरा ही होता है। काला, नीला, पीला। पीला वाला होता है, कोई थोड़ा थोड़ा नीला, कोई थोड़ा थोड़ा लाल। लाल है। लाल नहीं रहता बादल। बादल माँ बोल लिए जो पानी वाले बादल, कोई नीले रहते हैं बल कोई लाल रहते हैं। तो बहुत बढ़िया। सफेद भी रहते हैं ना? सफेद भी रहते हैं, पर सारा एक ही जैसा है। मतलब ये पानी वाला बादल नहीं है क्या? तो माँ का कहना है ये जो बादल आपको आज नजर आ रहे हैं ये पानी वाले बादल नहीं है, बल्कि सूखे सूखे वाले बादल हैं। और भाई साहब बोल रहे हैं आग वाले बादल ये हैं बल, और ये हैं बल डराने वाले बादल। और एक कभी हमने एक कविता पढ़ी थी जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कि जो ये काले काले बादल होते हैं बल, ये सिर्फ डराने वाले होते हैं बल। अब ऐसा सही है कि नहीं है पता नहीं। तो छत पे अभी थोड़ा बहुत धूप सेकने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद हम वहीं पर आ चुके हैं जहाँ पर पस्ता पगार की चिनाई हो रही है। तो यहाँ नीचे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी माँ जो गेड़ा गैलरी होती है उससे मिट्टी की सफाई कर रही है, और यहाँ अपने बापूजी पत्थर को सही से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिज़ाइन कर रहे हैं। थोड़ा जो पत्थर है ना वो इधर उधर तिरछे तिरछे हो रहते हैं, तो उनको सही शेप में लाना ज़रूरी है, तब जाके ही यहाँ पर चिनाई पर उस पत्थरों को रखा जाएगा। और माँ ने एक चीज़ बोली थी छत पे, वो बापूजी से ही पूछते हैं। आपको वहाँ सामने बादल नज़र आ रहे हैं? हाँ, हैं मतलब नज़र आ रहे हैं ना। तो माँ का कहना है वो बिना पानी के बादल हैं बल। आपको क्या लगता है वो सूखे बादल हैं? बिना पानी के बादल कोई होते ही नहीं है। या माँ को बताओ तो जरा। बारिश नहीं आ रही है। हाँ, बारिश क्यों नहीं आ रही भाई, जब वो बादल हैं तो बारिश, यहाँ बादल है, यहाँ बादल ही नहीं, यहाँ बारिश कहाँ से आ रही? वहाँ भी नहीं है बल भाई बारिश, माँ को सब दिखाई देता है। यार माँ की वो कर दिया यार, माँ है माँ बेइज्जती होगी तेरे सामने सामने यार। और माँ एक बात सही बात है नी, हमारे ऊपर भी बादल रहते हैं तो बारिश कहाँ आती है? वो मेघ नहीं बनता ना, मेघ। अच्छा, मेघ पे बात होता है। अच्छा, मेघ पे बात होती है ना माहौल। हाँ, बादल तो कभी भी आ जाते हैं, तीन चार दिन भी रहते हैं। अब मेघ किसको बोलते हैं? जो बारिश लाता है। अच्छा, अब बादल लोगों को मेघ नहीं बोलते हैं? मेघ बोलते हैं क्या? और बिना बारिश का मेघ है। चलो बढ़िया है, बढ़िया। तो ये चीज ना मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि आपस में हम जब ऐसे मजाक करते रहते हैं, बारिश वो पानी को खींचता रहता है, दो दिन रहेंगे बादल, तीन दिन रहेंगे, चौथे दिन तो बारिश आएगी आएगी। ठीक है, ठीक है। तो बहुत हो गई हमारी चर्चा, और हमारी चर्चा का निष्कर्ष अभी भी कुछ नहीं निकला है, तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि बादलों में सचमुच का पानी होता है या नहीं होता है। तो मैं इन लोगों को बता दूंगा फिर कि आपने क्या हमको बताया है, क्योंकि जो सारे कमेंट होते हैं ना वो मैं माँ और बापू जी को भी पढ़वाता हूँ और उनको बोलता हूँ क्या क्या आ रखा है। तो सबसे पहले सभी लोग तुमको प्रणाम करते रहते हैं यार, आशीर्वाद नहीं दोगे सबको ऐसे हमारी तरफ से बहुत बहुत ऐसे करके तथास्तु वाले। खुशी रहो, खुश रहो, हमेशा जो है उन्नति करते रहो, ये हमारा। और माँ कौन सा आशीर्वाद देगी? माँ जो पापू ने दिया। तो चलिए बहुत हो चुकी बातों की मजाक मस्ती, अब क्या करते हैं थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, क्योंकि बापू जी जो काम कर रहे हैं वो वाला मैं करता हूँ, और फिर बापू जी यहाँ पर चिनाई करने का काम करेंगे और माँ तो वही करती रहेगी। और अपने भाई साहब आज चोटिल हैं, वो देखिए सामने ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनको तो क्या बोले काम करने के लिए। तो अभी थोड़ा बहुत जैसे ही हमने काम किया तो अपने भाई साहब चाय और बंद यहाँ पर लेके आ चुके हैं, तो अभी इसका आनंद लेते हैं और फिर यहाँ पर काम कंटिन्यू करते हैं। काम स्लो चल रहा है तुम्हारा आज, मैं नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब स्लो करेंगे। ठेकेदार जी भी वो हो गए स्लो पड़ गए।
बापूजी को थकान लग गई तो एक बार फिर माँ ने मिस्त्री का जो काम है वो अपने ऊपर ले लिया है। तो देखते हैं माँ कैसा यहाँ पर काम कर पाती है। और आज के दिन का ना जो काम है ये अंतिम क्षणों पे है, इसके बाद थोड़ा हमारी छुट्टी हो जाएगी। और अभी तक मतलब पहाड़ों में ठंडा हो ही रहा है, तो इस वजह से ना अभी मुझे जैकेट पहनना पड़ेगा, ऐसी टी शर्ट में तो हालत ख़राब हो जाएगी, तो वो पहनते हैं। और फिर काम तो आज का लगभग हो ही गया है, तो फिर कहीं चलते हैं। और अभी आया हूँ मैं खेतों की साइड, क्योंकि मुझे खेतों में कुछ अच्छा ऐसा दिखा कि मुझे लगा थोड़ा आप लोगों को भी बताना चाहिए, वो अच्छी चीज़ है ये। तो अनुष्का यहाँ पर देखिए कितना मस्त हल लगा रही है, इतना अच्छा हल मैं भी नहीं लगा पाता हूँ, और ये इतनी छोटी उम्र में गजब तरीके से हल लगा रही है। तो मैंने सोचा पहाड़ के बच्चे कितने होनहार होते हैं और कितने मेहनती होते हैं, थोड़ा आप लोगों को भी बताया जाए। तो जब मैं हल लगाता हूँ ना तो बैल इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन इसके पास मैं दिखाऊं बैल भी एकदम सीधे चल रहे हैं और ये भी हल बिल्कुल सीधे चल रही है। गढ़वाली में एक बार जो होता है ना डंडरा छूट जाता है, मतलब एक जगह पे कहीं पे बीच में हल छूट जाता है, लेकिन इसका ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर ये हल लगा पा रही है। तो इससे मुझे भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और एज कितनी है ना तेरी? 14। तो मात्र 14 साल की एज में ये इतना अच्छा हल लगा रही है, तो इसको देख के बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। और इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर हमारे चाचा जी। जी ट्रेनिंग दे रहे हैं तुम? ट्रेनिंग देनी पड़ती है बच्चों को, कल बाय चांस हम बीमार हो गए, तबीयत खराब है, नहीं जा पाए, तो बच्चे हल तो लगा सकते हैं ना। सही बात। तो अनुष्का को मैंने शायद पिछली बार भी आपको दिखाया था हल लगाती है, लेकिन आज चाचा इसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस प्रकार से हल लगाया जाता है। लेकिन इसका जो छोटा भाई है गणेश महाराज, वो भी मेरी तरह ही कामचोर है, मतलब जैसे मैं काम चोरी करता रहता ना बीच बीच में, तो वैसे ही गणेश भी करता रहता है, इसीलिए वो यहाँ खेत में मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ साथ में आज चाची भी नियर कहाँ गई चाची? तो चाची दूसरे खेत में, बल जहाँ पर इन्होंने हल लगाया होगा तो वहाँ पर खोण रही है, खोमा बोले तो जहाँ पर हल नहीं लगता है ना, मैंने आपको कई वीडियो में बता दिया है, तो वहाँ पर खुद खुदाई करना पड़ता है वहाँ पर, तो इसी को बोलते हम खोमा खनना। तो यहाँ पर अनुष्का ने पूरे खेत में यहाँ पर हल लगा दिया है, और ये देखिए इसको हल खोलना भी आता है जबकि मुझे नहीं आता है, तो मैंने कभी किया ही नहीं है काम, हमारे घर वालों ने हमको कभी सिखाया नहीं, लेकिन इसके घर वालों ने इसको मस्त सिखाया भी है और काफ़ी अच्छा हल भी ये लगाती है। और हल भी देखो इसने बीच में मस्त तरीके से खड़ा कर दिया है। अब अनुष्का मैं इन बैलों को लेके घर भागेंगे। चल चल चल, ओ ले 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 ले, ओ है बुर्गी, ए ले 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 ले, भागो 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 भागो। तो अनुष्का और उसमें रेस चल रही है, चल चल चल, मतलब खुलने के बाद उसको भी खूब मस्ती सूझ रही है, चल चल चल, चलो 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 चलो। भागो